चने में आज हमने देखा कि 1% की गिरावट के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है 5160 के करीब अक्टूबर फ्यूचर्स, और आने वाले एक हफ्ते में ऐसा लगता है कि 5080 से 5060 तक की जो गिरावट है गहरा सकती है, यानी जो इनिशियल रुझान रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो एक दायरा बना हुआ है 5050 से लेकर 5300 तक का, वो जारी रहने की उम्मीद लग रही है, इसलिए निचले स्तरों से दोबारा हमें तेजी का रुख देखने मिले ऐसी संभावना बनी हुई है। ऑन एन एवरेज 5200 के आसपास ही प्राइस ट्रेड करेंगे ऐसा मेरा मानना है। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तरफ रुक करें तो आज हमने देखा कि रिफाइंड ऑयल में करीबन 0.75% की गिरावट के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है 1302 के करीब अक्टूबर वायदा जो है, और शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 1315 के नीचे है तब तक जो गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा, और 1290 से 1285 तक के लेवल हमें कुछ सेशंस में देखने मिल सकते हैं, यानी 7 रैलीस का जो रुख है वो रिफाइंड ऑयल में बना रहने की उम्मीद लग रही है। वहीं सोयाबीन में भी हमने काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखी है, लगभग 5.6% फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो डाउन है 5920 के करीब अक्टूबर वायदा, और ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है और गहरा सकती है और 5750 तक हम आने वाले सेशंस में देखने मिलेंगे दाम जो है, यानी जो करंट करेक्शन है 6100 के जब तक दाम नीचे हैं तब तक और स्लिप होने की आशंका है और 5750 तक शॉर्ट टर्म बेसिस देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर भी उछाल पर बिकवाली की जा सकती है। वहीं अगर हम सरसों की बात करें अक्टूबर वायदा तो 8500 के करीब चल रहा है और काफ़ी मामूली सी गिरावट है, यहाँ पर हो सकता है हमें इनिशियली 8400 से 8350 तक के दाम देखने मिले क्योंकि एडिबल कॉम्प्लेक्स में प्रेशर बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो रुख है वो डाउनसाइड लिमिटेड दिखता है, 8300 से बहुत ज़्यादा नीचे प्राइजेस जाते हुए नहीं दिखती और वहाँ से दाम उभरने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि 8700 तक प्राइजेस जो है दोबारा जाएंगे, इसलिए बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए अगर डिप आती भी है तो, और 8300 के नीचे जब तक डेली क्लोज नहीं होता तब तक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं बिलौदा खल या कॉटन सीड ऑयल के एक में हमने देखा है कि 2430 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.5% की गिरावट के साथ, और इस हफ्ते में ये जो गिरावट है और गहराने की उम्मीद है 2300 तक के लेवल हमें डाउनसाइड में दिखाई दे सकते हैं, यानी करंट लेवल से करीबन 4 से 5% की और मंदी हमें आने वाले कुछ सेशंस में देखने मिल सकती है, और 2300 के करीब जाके दाम संभलेंगे ऐसा मेरा मानना है। कैस्टर सीड में वही हमने देखा कि अक्टूबर वायदा जो है 6200 के करीब ट्रेड हो रहा है 0.25% की नरमी के साथ में, और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये इनिशियली और गहराएगी और 6050 तक भी दाम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दाम संभलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओवरऑल 6000 के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो दोबारा बाइंग की एक कोशिश की जा सकती है और 6450 तक का एक लेवल लिया जा सकता है एज अ बाय टारगेट, इसलिए डिप पे बाइंग की जा सकती है जहाँ तक कैस्टर सीड का सवाल है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो ग्वार गम में 9400 के करीब दाम चल रहे हैं अक्टूबर फ्यूचर्स, और आज हमने काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखी है, ऐसा लगता है कि गिरावट आने वाले दिनों में और गहराएगी और 9000 से 9050 तक के दाम इनिशियली देखने मिलेंगे, तो नेक्स्ट एक या दो सेशन में हमें और मुनाफा वसूली दिखाई दे सकती है, लेकिन निचले स्तरों के आसपास यानी 9000 के करीब एक बार बाइंग दोबारा इमर्ज होते हुए दिख सकती है और 9800 तक के दाम देखने मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है, इसलिए 9000 के करीब अगर प्राइजेस मिले तो वहाँ से खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर हम मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो धनिया में हमने देखा है कि 7600 के करीब अक्टूबर वायदा जो है वो ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से जो इंक्रीमेंटल डाउनसाइड है वो लिमिटेड लगता है, यानी ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है ऐसा मुझे लगता है, और 7400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक अपसाइड में एक रिकवरी 7900-7950 तक दिखाई देगी आने वाले कुछ सेशंस में। वहीं लेकिन अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी ने 7800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है और उसके नीचे जब तक ट्रेड कर रही है तब तक 7 रैलीस का एक रुझान रहेगा और डाउनसाइड में 7050 से 7100 तक के दामों में देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस, इसलिए हल्दी में उछाल पे बिकवाली की जा सकती है और 7 रैलीस की रणनीति अपनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस।